उत्पादन खुले खेतों में करते समय हमें विपरीत परिस्थितियां जैसे ओले, उच्च तापमान, निम्न तापमान और इसके अलावा अनेक विपरीत परिस्थितियां, कीट रोग का इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी फसल काफ़ी प्रभावित होती है और हमारी सब्जी की उपज और बीज की उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बीज उत्पादन खुले खेत के कंपैरिजन में हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे संरक्षित परिस्थितियों में जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, टेम्परेचर कंट्रोल नेट हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट्स, लो टनल्स में कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमने हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे करेला, खीरा, टमाटर, गोभी, बैंगन में संरक्षित स्थितियों में संकर बीज उत्पादन एवं बीज उत्पादन की तकनीकों को स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है और इसमें हम उनको कितना मुनाफा होता है इसके बारे में बताते हैं और हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है। खरीफ के मौसम में नेट हाउस में हम करेला, बैंगन, खीरा और गोभी की फसल बीज उत्पादन के लिए सफल रूप से कर सकते हैं। बैंगन में 2 से 2.5 किलो, करेले में भी 2 से 2.5 किलो संकर बीज उत्पादन हम ले सकते हैं। बैंगन और करेले में जब हम बीज उत्पादन लेते हैं तो हम खरीफ एवं स्प्रिंग समर सीजन दोनों में ही बीज उत्पादन ले सकते हैं। करेले में बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.3:1 और बैंगन में 1.9:1। इसके अलावा हम गोभी की सफल बीज उत्पादन कर सकते हैं जिसमें हमें 800 से 900 ग्राम हाइब्रिड सीड नेट हाउस में 100 स्क्वायर मीटर में उपलब्ध है। खीरे में यही हमें 200 ग्राम संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर में अवेलेबल है। रबी की फसलों में हम टमाटर का संकर बीज उत्पादन पॉली हाउस में कर सकते हैं। पॉली हाउस में बाहर के कंपैरिजन में तापमान 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होता है, जिसके कारण फसल में बढ़वार, पुष्पन और बीज उत्पादन बेहतर होता है। टमाटर में हम 3 से 3.5 किलो संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.87:1। सब्जी उत्पादन जब हम करते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन से हम 1 से 1.5 गुना, कभी कभी कुछ फसलों में 2 गुना लाभ भी कमा सकते हैं।